हेलो गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ मछली का माथा दे के, मतलब इसको बंगाली में बोलते हैं माछेर मुड़ा दिए दाल, और बांधा गोभी में भी फिश का जो माथा होता है वो दे के आज बना रही हूँ। तो मुझे बहुत दिन से ये खाने का मन था, तो मैंने बोला चलो अगर मैं बना रही हूँ तो इसका एक छोटा सा वीडियो भी मतलब यूट्यूब में डाल दूँ। तो देखिए, ये मेरे दाल हैं। दाल को हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया है जिससे जो इसका स्वाद है और कलर है वो बहुत अच्छा खिल के आए। और यहाँ मैंने प्याज को मतलब फ्राई कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने आलू यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। ये अच्छा से रोस्ट हो जाने के बाद इसमें पानी डाल के इसको मतलब एक सीटी लगा देंगे, एक तीन सीटी लगाएंगे, और उसके बाद ये दाल हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू और इसमें सारे मसाले, आदी, लहसुन, जीरा, आपका हरा मिर्चा, और यहाँ पे लाल मिर्चा, हल्दी, सब देके अच्छे से मैंने आलू को मतलब पूरा अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने मसाला लगा दिया है। मसाला को अच्छे से लाल करना है जिससे जो बांधा गोभी है वो बहुत अच्छे से इसमें मतलब मिल जाए। और जब मैं इसमें मच्छी का मूड़ा जिसको बोलते हैं माथा वो मैं इसमें डालूँ तो इसमें कलर और स्वाद अच्छा आए। तो यहाँ पे फिर मैंने बांधा गोभी को डाल दिया है और इसको अच्छे से लाल कर रही हूँ, अच्छे से इसमें चला रही हूँ ताकि अच्छे से मिल जाए। ये खाने में बहुत अच्छा होता है, प्लीज़ आप लोग कभी इसे ट्राई करें। यहाँ देखिए, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था और मैंने भी मतलब कहीं से देख के ही बनाया है क्योंकि मुझे भी नहीं आता था बनाना, और लिटरली बहुत ही अच्छा बना था। फर्स्ट टाइम ही था बट बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ दिया था, तब तक ये मेरा दाल भी अच्छे से रोस्ट हो गया था। फिर मैंने दाल में हल्दी और नमक देके दाल को तीन सीटी लगाया था जिससे ये मेरा दाल आराम से गल गया था पूरा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने दाल भी चढ़ा दिया है और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन रही है। और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने देखिए, ये मच्छी के मैंने एक ही पीसेस, एक ही पूरा गोटा लिया था, इसे दो भाग में से डिवाइड कर मतलब करवा दिया था। इसमें हल्दी और नमक लगा के आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और इसके बाद इसको अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं अच्छे से इसको पहले धो लीजिए, और तेल जब तक गर्म होगा तब तक आप इसे 2 मिनट के लिए हल्दी और नमक लगा के छोड़ दीजिए। और अब देखिए, यहाँ ये मेरा जो तेल है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया था और इसमें से छींटे पड़ रहे थे, इसीलिए मैंने इसको एक प्लेट से तोप दिया था जिससे इसमें छींटे ना पड़े। और इसको अच्छी तरह से लाल करना है जिससे ये मतलब एकदम जब इसको मैं हाथ से भी करूँ तो ये टूट जाए, जिससे ये आराम से आपका दाल में और सब्जी में अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ देखें, यहाँ मैंने प्याज और तेजपत्ता, इलायची, टमाटर और हल्का सा लहसुन आदि का पेस्ट, सारे मसाले देके ये दाल के लिए, ये मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी कि दाल को फ्राई करना है उसके बाद। और यहाँ एक वेज भी बन रहा था, मतलब उसी दाल को पहले वेज में मैंने निकाल दिया था क्योंकि कुछ लोग वेज खाते हैं, इसीलिए उन लोग के लिए वेज मैंने यहाँ पे अलग से मतलब बना रही थी। तो दाल को पहले फ्राई कर देना था, उसके बाद लास्ट में मछली का जो वो जो माथा होता है उसको इसमें सब्जी में भी ऐड कीजिए और दाल में भी ऐड कीजिए, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पहले मैंने वेज सब्जी बना के निकाल लिया था, फिर मैंने इसमें माथा डाल दिया था मछली का। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग कभी इसे ट्राई कर सकते हो घर में। मैंने भी ट्राई किया था, मेरा तो काफ़ी अच्छा बना। यहाँ देखिए, यहाँ दाल में भी सेम प्रोसेस है, दाल को बनाने के बाद, फ्राई करने के बाद ये मैंने